For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा रब्बानी है। आज मैं आपसे चंद बातें करना चाहती हूं और मेरा मौजू है हामला ख़वातीन को करोना वायरस कैसे मुतासर करता है और उससे कैसे महफूज रहा जा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, करोना वायरस एक पेंडेमिक सिचुएशन है और हर शख्स को लगने का ख़तरा है। इसी तरह हामला ख़वातीन को भी करोना वायरस के इन्फेक्शन होने का उतना ही ख़तरा है। लेकिन इसमें फ़िक्र वाली ये बात है कि करोना वायरस की इन्फेक्शन हामला ख़वातीन को ज़्यादा बुरी तरह से मुतासर कर सकती है। उनमें जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का होना, तेज़ बुखार का होना और नमोनिया और सांस लेने में दिक्कत का होना शामिल है। हामला खातून में करोना वायरस की इन्फेक्शन माँ से बच्चे में मुंतकिल नहीं होती और ये देखा गया है अभी तक जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनके मुताबिक कि बच्चों की वक्त से पहले डिलीवरी देखने में आई है, जिनमें जिसको हम प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। जहाँ तक बच्चे की पैदाइश का ताल्लुक है तो बच्चों को नॉर्मल डिलीवर भी कराया जा सकता है और सिजेरियन सेक्शन से भी डिलीवर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हतमी फैसला डॉक्टर हजरात माँ और बच्चे की कंडीशन को देखते हुए ही कर सकते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद माएँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं, लेकिन उनके लिए लाजमी है कि वो एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अख्तियार करें, जिनमें बार बार हाथ का धोना और चेहरे पे मास्क का इस्तेमाल करना शामिल है। आप सब जानते हैं कि हम सब एक मुश्किल सूरत-ए-हाल से गुजर रहे हैं। प्रेगनेंसी इट्सेल्फ एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है और इसके लिए लाजम है कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि आप भी रिस्क के ऊपर हैं और आपने इससे कैसे महफूज रहना है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, हाथ का बार बार धोना, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना, चेहरे पे मास्क का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना ज़रूरी है आपके लिए। इसके अलावा ये चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि अपने डॉक्टर से रابطे में रहें और अपनी जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसके मुताबिक अमल करें और यही आपके लिए बेहतर और महफूज तरीका है। बहुत शुक्रिया। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।